एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक फेशियल शेयर करने वाली हूं। ये फेशियल मैं करने वाली हूं पपाया से, जाने के पपीता से। पपीता में होता है विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटाशियम और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। ये आपके चेहरे की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, पपाया की फेशियल किट भी मार्केट में आती है और इसका जो फेशियल है आप पार्लर में भी करवा सकती है। पर पार्लर में अगर आप इसका फेशियल करवाते हो, एक तो वो 2000 रुपी से स्टार्ट होता है, दूसरा उस फेशियल को आप जो है मंथ में सिर्फ एक बार ही करवा सकते हो। पर अगर आप इसको घर पे करते हो तो वीक में आप इसको 2 से 3 बार भी कर सकते हो, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देने वाला है। तो दोस्तों, जो पपाया होता है वो स्पेशल हमारे जो पिगमेंटेशन एरिया को रिड्यूस करता है, चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, चेहरे को बहुत ज्यादा ब्राइट करता है, स्किन व्हाइटनिंग का काम करता है और चेहरे के ऊपर अगर आपके रिंकल्स पड़ रहे हैं ना, तो ये उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इस फेशियल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इससे डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब किया गया, आपको एक बेल बटन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, उसे प्रेस करोगे तभी आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी और ये सब कुछ फ्री है। सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पे, अगर आप फेसबुक पर हो, इंस्टा पे हो या फिर ट्विटर पे हो, आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है पपाया, पीस करके आप उसको ब्लेंडर में चलाकर उसका प्यूरी बना लीजिए। तो ये प्यूरी हम चारों स्टेप में यूज़ करेंगे। पपाया का मैंने आपको बता दिया कितने ज़्यादा बेनिफिट है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए आपको लेना है पपाया की प्यूरी। प्यूरी आपकी एकदम से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई भी चंक्स नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है लेमन और उसकी स्किन आपको लेनी है। जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, उनको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो ग्रेटर के साथ इसको थोड़ा सा इसकी स्किन को आप ग्रेट कर लीजिए जिस तरह से मैंने किया है। और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा लेमन का जूस भी। तो दोस्तों, इस क्लींजिंग को अगर आप रोज़ भी यूज़ करोगे तो आपके चेहरे के ऊपर बहुत ही अच्छा सा निखार आएगा। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद अपने फेस को के ऊपर आपको इसको लगाना है। तो दोस्तों, इसमें से अगर आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम अपने फेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसका पैस टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इसको यूज़ कीजिए। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले अपने फेस को आपको रोज़ वाटर के साथ अच्छी तरह से साफ कर लेना है ताकि हमारी स्किन के ऊपर कोई भी मेकअप ना हो। तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। तो इसके बाद देखिए, आपको लेना है ये जो हमने क्लींजिंग बनाई है, इसको अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर लगाकर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करनी है। तो दोस्तों, जब भी आप ये फेशियल करें तो इसको रात में करें तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो इसके बाद इसको मैं जो है वेट वाइप से अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो जैसे जैसे स्टेप करते जाओगे आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता जाएगा। दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम बनाएंगे स्क्रब। तो स्क्रब के लिए आपको लेना है पपाया प्यूरी का और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है मसूर दाल पाउडर का। ये मैंने पाउडर बनाकर रखा हुआ है। मसूर दाल भी बहुत ही अच्छी होती है, स्किन को वाइट करती है, दाग धब्बों को दूर करती है, पिगमेंटेशन के लिए तो एक वरदान है और रिंकल्स को भी हटाती है। तो इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक फेशियल शेयर किया हुआ है, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, ये नेचुरल फेशियल होते हैं, इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, तो वीक में इसको आप 2 बार ज़रूर कीजिएगा। तो इससे आपके चेहरे की हर तरह की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तरह से एक बार आप हफ्ते में पपाया फेशियल कर लीजिए और 3 से 4 दिन बाद आप मसूर दाल का फेशियल भी कर सकते हैं। इस तरह करने से आपके चेहरे की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, नुकसान नहीं देते, बल्कि स्किन को एकदम से साफ रखते हैं। तो आपको 3 से 4 मिनट लगाकर अच्छी तरह से स्क्रब कर लेना है। स्क्रब करने के बाद अपने फेस को आपको वाइप आउट कर लेना है।
है। तो दोस्तों अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं तो स्क्रब करने से पहले आप एक बार स्टीम दे लीजिए, स्टीम देने के बाद ही स्क्रब करेंगे तो आपके जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं सारे निकल जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्क्रब करने से पहले आपको थोड़ा सा स्टीम देना है और उसके बाद आप स्क्रब को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे मसाज। तो मसाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है जिससे हमारे चेहरे के ऊपर बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। तो इसके लिए आपको लेना है पपाया का प्यूरी और इसके बाद इसमें आपको डालना है, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है पपाया प्यूरी का, तो 1/2 टेबलस्पून आपको डालना है एलोवेरा जेल का और 1/2 टेबलस्पून ही आपको डालना है हनी का। अगर आपको हनी सूट नहीं करता है आप इसमें एलमंड ऑयल थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है। सभी चीज़ों को मिक्स करना है, मिक्स करने के आप खुद देखोगे कि बहुत ही एक अच्छी जेल बनकर तैयार हो जाती है और इस जेल को आप बनाकर 7 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में और इसको आप रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं सोने से पहले। तो दोस्तों मसाज आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं तो वीक में 3 से 4 बार रात में सोते समय बहुत अच्छे से मसाज कीजिएगा। मसाज का पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एंटी एजिंग मसाज है तो यहाँ पर मैं आपको पूरे क्लिप नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड कर करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो इस तरह करने से आप देखोगे आपके चेहरे के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। तो दोस्तों जो मसाज होती है ना वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है जिसके कारण हमारी स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन के दाग धब्बे हमारे ख़त्म होते हैं और स्किन के ऊपर ग्लो आता है, स्किन का रंग हमारा साफ होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट भी होता है। और जब भी फेशियल आपको करना है रात में करना है, रात में हम इसलिए करते हैं क्योंकि फेशियल करने के बाद हम सो जाते हैं और जब हम सोते हैं तो हमारे मसल भी रिलैक्स करते हैं और फेशियल का असर दुगना तिगना आपको अगले दिन मिलता है। तो जब भी आप करें रात में ही करें और टैपिंग मोशन आपको ज़रूर करना है। फेशियल करने के बाद इस तरह से आपको अपने पूरे फेस के ऊपर टैप टैप करना है, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी अपने फेस को वॉश नहीं करना है, इसके ऊपर ही हम फेस पैक अप्लाई करेंगे। फेस पैक आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको लेना है बेसन। तो बेसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है स्किन को साफ रखने के लिए और इसके बाद इसमें आपको डालना है पपाया की प्यूरी का और दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। थोड़ा सा आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कीजिए। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपका ये बहुत ही एक क्रीमी बहुत ही स्मूथ आपका फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, जो आप बाज़ार से मार्केट से बाय करते हैं उससे 100 गुना अच्छा है क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको बनाकर रख सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये क्रीमी बना है और जो आपकी पपाया की प्यूरी अगर बच जाती है आप इसको इस तरह से स्टोर करके रख लीजिए, ये आपकी ख़राब नहीं होगी 3 से 4 दिन, फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस फेशियल को आप वीक में 3 बार भी कर सकते हैं और क्लिंजिंग आप रोज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पर अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले पैच टेस्ट कर लीजिए और इसके बाद इस पैक को जो है आपको बहुत ही ज़्यादा एक मोटी लेयर लगानी है ताकि आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिल सके। तो इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लोग वापस चले जाएंगे आगे वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं बता देती हूँ कि इसको आपको जब ये सूख जाएगा इसको उतारने का तरीका मैं आगे बताऊँगी। बट इसके बाद आपको विटामिन ई की क्रीम अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से लगानी है। विटामिन ई की क्रीम ये मैंने घर पर बनाई हुई है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ये क्रीम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके स्किन के दाग धब्बों को दूर करने के लिए और स्किन को खार देने के लिए। तो अभी मैं इसको ड्राई होने देती हूँ। आपको इसको पूरा ड्राई नहीं होने देना है, 80% जब ये ड्राई हो जाएगा तो हाथों में थोड़ा सा रोज़ वाटर लेकर आप हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। अगर हम सीधा अपने फेस को अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो फिर सीधा फेस को वॉश करते हैं तो रिंकल्स बहुत ही जल्दी पड़ते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई फेस पैक लगाए आपको 80% ही ड्राई करना है, आपको 100% ड्राई नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा रोज़ वाटर लेकर थोड़ी सी
मसाज कर लेंगे तो उसको उतारना इजी हो जाता है, आपके फेस के ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके बाद फेस को आपको वॉश कर लेना है, आप देख सकते हैं फेस आपका एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो इसके बाद जो मैंने घर पर बनाई है विटामिन ई की क्रीम जो मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।